राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों द्वारा चंदा एकत्रित कर मंदिर निर्माण पूर्ण सहयोग किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर से राम मंदिर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने एक बयान दिया था कि राम भक्त दिन में चंदा एकत्रित कर उसी चंदे की रात में शराब पीते हैं। कांतिलाल भूरिया के इस बयान के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है और उनके इस बयान को घोर निंदा करते हुए गाजियाबाद के वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज त्यागी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता पंकज शर्मा के साथ यह खास रिपोर्ट। भाई साहब, ये जो अभी राम मंदिर को लेकर जो चंदा वसूला जा रहा है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उन्होंने बयान दिया था कि राम भक्त जो चंदा वसूल रहे हैं उस चंदे की शाम को शराब पीते हैं, इस पर आपका क्या कहना है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके SNI को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके आपका जो ये चैनल है बहुत तरक्की करे। दूसरा, आपने जो सवाल किया मुझसे कि ओ बहुरिया जी जो है, आपने देखा कि बहुरिया जी शिष्य किसके हैं? दिग्विजय सिंह के, उनसे बनता है ऐसा बोलना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उन्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि करोड़ों राम भक्तों के लिए तुम ऐसे बोल रहे हो हैं? फिर तुम कहते हो कि तुम्हें हम हिंदुत्व की बात करते हैं, क्यों ना करें, हर घर में राम है। आप जानते हैं बहुरिया जी को, मैं एक बात आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ कि श्री राम जो मुस्लिम भाई हैं उनके दिलों में भी हैं, नहीं होंगे तो बहुरिया जी आपके उसमें नहीं होंगे। और ऐसे शराब पीने की कांग्रेसियों को जरूरत होगी, राम भक्तों को कोई जरूरत नहीं। वो एक नशा करते हैं श्री राम का, एक ही नशा बहुत है उन्हें श्री राम का। दूसरी बात, एक आदमी अपने घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप क्या लेते हैं इस बात से? सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने ऐसा सवाल ही क्यों करा, ऐसा इल्जाम ही क्यों लगाया कि रस्सी काटने के बाद शराब पी रहे राम भक्त। बहुरिया जी, अगर राम भक्त एक हो गए तो शायद आप और आपकी कांग्रेस दिखेगी नहीं कहीं। शर्म कीजिए और अपने गुरु से पूछिए कि जिस उम्र में लोग दान कन्या दान करते हैं वो उस उम्र में शादी कर रहे हैं। आपकी सोच पे मुझे कोई वो नहीं है क्योंकि आप शिष्य ऐसे गुरु के।